Hello everyone, I'm Amita Sharma and he's my husband Mayam Bhatt. So basically we are from Udaipur and Jaipur is my native place. But actually my little sister, her delivery last year here and we met with Aarti ma'am, Neha Gulara ma'am, Sushila ma'am and unka jo response deke, the moment when I conceived we have decided कि मुझे मेरी जो लास्ट की जो जर्नी है वो यहीं कंप्लीट करनी है, डिलीवरी यहीं करवानी है. सो इनिशियली माय फर्स्ट डिलीवरी वाज इन 2017 एंड इट वाज अ सिजेरियन एंड थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं पे एक होप थी कि अगर मैं मणिपाल में आरती मैम और नेहा गुदारा मैम है उनके यहाँ पे आऊँगी तो शायद फीडबैक का दैट इज वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सो दैट कैन बी पॉसिबल. सो जैसे ही मैं 9 months स्टार्ट हुआ मैंने यहीं पे सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड देन January 1st मेरा बेबी डिलीवर हुआ एंड दैट इज नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन एंड ट्रूली मैंने वो खो दी थी बिकॉज मुझे खुद को लगने लग गया था, लूज हो गया था एक पॉइंट पे कि नहीं नॉर्मल नहीं हो पाएगा. बट थैंक्स अ लॉट टू नेहा मैम, आरती मैम, सुशीला मैम, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, इतना मोटिवेट किया कि फाइनली वी डिलीवर्ड अ नॉर्मल बेबी. सो एंड उसके बाद उन्होंने एक एक चीज़ दी जो हर क्रिटिकल कंडीशन लाइक इफ जैसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई थी लाइक आफ्टर डिलीवरी मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे थे, पैंट हो रही थी. सो एक एक चीज़ उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया, हर चीज़ उन्होंने पीवी किया, बार बार चेक किया, सारे टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग दे हैव डन. एंड उसके बाद वी डिलीवर्ड ऑन 1st of January एंड आज 4th of January है सो वी विल डिस्चार्ज. तो उसके लिए भी पूरा उन्होंने जब दे इंश्योर्ड कि उन्होंने बार बार लाइक मेरा जो हीमोग्लोबिन था आफ्टर डिलीवरी थोड़ा ड्रॉप हो रहा था तो उन्होंने सारे टेस्ट कराए एंड आफ्टर इंश्योर्ड कि एवरीथिंग इज फाइन, माई बेबी इज फाइन, देन उन्होंने उसके बाद में हमें डिस्चार्ज करने के डिसीजन लिए. सो जो हम लोगों ने इफ आई से कि जो जर्नी थी डिलीवरी की और उदयपुर से जयपुर की जो जर्नी थी दोनों सक्सेस हुई. सो थैंक्स टू लॉट जो गाइडो टीम है उनको, मणिपाल की जो बाकी सर्विसेज हैं लाइक इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, क्लीनिंग सिस्टम है, जितना भी नर्सिंग स्टाफ है दे हैव कोऑपरेटेड अ लॉट. इनफैक्ट सबसे बड़ी बात की लोग बोलते हैं ना कि लाइक वी बोथ आर वर्किंग सो ऑफिस के खाने में भी कई बार अगर खाना अच्छा नहीं होता ना तो लोग बोलते हैं क्या हॉस्पिटल जैसा खाना दे रहे हो, बट यार हॉस्पिटल में अच्छा खाना था सो वी डिडंट फील कि एकदम क्या मरीजों जैसा मिल रहा है बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी वाले केस में तो वैसे भी अच्छा सा खिलाते हैं तो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट. सो आई सजेस्ट स्पेशली डिलीवरी के केस में तो कि यहाँ के जो गायनो डॉक्टर्स हैं दे आर सुपर. सो प्लीज बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स में अगर सिजेरियन होता है तो वो आगे से बोलते हैं कि आपका सिजेरियन है तो सॉरी सिजेरियन नहीं हो पाएगा, बट ये लोग इतना मोटिवेट करते हैं और इतना कॉपरेट करते हैं ना कि लाइक ना वो कोशिश करते हैं बिकॉज एक्चुअली में सिजेरियन के बाद जो बॉडी के बाकी के जो चीज़ें हैं वो एक फीमेल ही अंडरस्टूड कर सकती है, उसके फैमिली मेम्बर्स ही अंडरस्टूड कर सकते हैं कि कैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट उस चीज़ को ये लोग नॉर्मल में कन्वर्ट करके एंड रैदर देन कि नहीं सिजेरियन कर रहे हैं उसकी जगह नॉर्मल करके उनकी फैमिली, उनकी बॉडी, उनको सबको सपोर्ट करते हैं. इट्स रियली अप्रिशिएट. सो थैंक्स अ लॉट. मैं यही सजेस्ट करूंगी स्पेशली इफ यू पीपल आर इन जयपुर तो प्लीज गायनो केस में तो प्लीज यहीं आइए. थैंक्स अ लॉट.